ज्योतिष विद्या के माहिर पंडित लेखराज शर्मा एक ऐसा नाम है जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। चाहे बात राजनीति की हो या फिर फिल्मी हस्तियों की या फिर आम लोगों की, ज्योतिष विद्या में ख्याति हासिल कर चुके जोगिंदर नगर के पंडित लेखराम शर्मा को सभी जानते हैं। हमीरपुर में एक एनजीओ के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे ज्योतिषाचार्य पंडित लेखराज शर्मा ने एच टूडे से ज्योतिष विद्या को लेकर अपने पल साझा किए। आज तक पंडित लेखराज ने जो भी भविष्यवाणियां की हैं वह सच हुई हैं, जिस कारण लेखराज से मिलने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। पंडित लेखराज शर्मा का कहना है कि ज्योतिष और पृथ्वी का संबंध पुराना है। चाहे बात ग्रह नक्षत्रों की हो या ज्योतिष के बिना कुछ संभव नहीं है। लेखराज शर्मा का कहना है कि बुद्धिजीवी लोग ज्योतिष से ज्यादा फायदा ले सकते हैं और जन्म लगन से लेकर रोजगार तक ज्योतिष फायदेमंद रहता है और लोगों को इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। लेखराज शर्मा ने बताया कि प्रदेश का एकमात्र ज्योतिष केंद्र जोगिंदरनगर में मौजूद है और 40 साल के अध्ययन में हर प्रकार के नेता, मंत्री व डॉक्टर, जज, बिजनेसमैन ने ज्योतिष का सहारा लिया है और ज्योतिष में विश्वास जताया है। देखिए, अगर हम भारतीय वाङ्मय को देखें, भारतवर्ष के पुरातन इतिहास को देखें, हम एस्ट्रोनॉमी को देखें, खगोल शास्त्र को देखें, बार कैसे बने, महीने कैसे बने, पक्ष कैसे बने, इनकी सारी विस्तृत जानकारी जो है ज्योतिष शास्त्र में है। जब विज्ञान डेवलप नहीं हुआ था तो सारा मौसम के लिए, जलवायु के लिए, कृषि के लिए, कृषि विज्ञान के लिए, बीमारियों के लिए, रोगों के लिए, यानी आयुर्वेद के सहारे के लिए, जड़ी बूटियां उखाड़ने तक के लिए सब ज्योतिष का सहारा मूर्त विज्ञान से लिया जाता था। ज्योतिष उतना पुराना है जितनी पुराना जो है पृथ्वी का इतिहास है, कि पृथ्वी कैसे बनी, पांच तत्व कैसे बने। उतना पुराना ही इतिहास जो पृथ्वी का है, उतना पुराना इतिहास जो है वो ज्योतिष का है। ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा गया है। वेदों में ज्योतिष की बहुत चर्चा है। ज्योतिष वो विद्या है, वो ज्ञान है जो आने वाले भविष्य की उपयुक्त जानकारी देता है। अगर हमें अपने ग्रह, नक्षत्र, दशा और प्लेनेटरी पोजीशन का ज्ञान हो, या हम किसी भविष्यवक्ता, किसी ज्योतिषी से, किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से पूछ लें, तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि इस जातक, इस व्यक्ति का जो है किस सेवा में, किस लाइन में, किस व्यवसाय में लाभ हो सकता है। भारतवर्ष में अगर सरकार ज्योतिष को बढ़ावा दे, जिस प्रकार आयुर्वेद, जिस प्रकार योग, पतंजलि का योग, उसी प्रकार भारतीय ज्योतिष के क्षेत्र में कुछ कार्य किया जाए, तो हमें लगेगा कि भारत का भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है। और जो हमारी बेरोजगारी है, हमारे बच्चे अगर ज्योतिष शास्त्र में रुचि लें, सरकार इसकी ओर तवज्जो दें, सरकार ज्योतिष के लिए प्रोत्साहन दें, तो हमारी जो समस्या है बेरोजगारी की, बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। जितना योग्य डॉक्टर होगा, जितना पढ़ा लिखा डॉक्टर होगा, जितने बड़े अच्छे हमारे कॉलेज महाविद्यालय होंगे मेडिकल साइंस के, उतने ही अच्छे डॉक्टर हमारे पास निकलेंगे। इसी प्रकार जो ज्योतिषी छोटे लेवल के हैं, छोटे स्तर के हैं, जिन्होंने किसी यूनिवर्सिटी से, किसी महाविद्यालय से, किसी विश्वविद्यालय से ज्योतिष की पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं की है, अगर वो इसी प्रकार रहे तो लोग इसको ढोंग कहेंगे ही, क्योंकि उनको अपनी विद्या के बारे में जानकारी नहीं होती। जिस प्रकार कोई झोला छाप डॉक्टर होता है, झोला छाप आजकल बड़े बड़े संत और सन्यासी भी होते हैं, वो जा कर के एक प्रकार का पाखंड जो है वो फैलाते हैं, तो लोग संतुष्ट क्यों नहीं होते? वो इसलिए संतुष्ट नहीं होते हैं क्योंकि हमारे पास आज पढ़ाने के लिए योग्य स्टाफ नहीं है। हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ज्योतिष का कोई बड़ा महाविद्यालय नहीं है, कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ से उचित शिक्षा दी जाए। इसलिए जो छोटे छोटे हमारे ज्योतिषी हैं, अपने रोजगार के लिए मेहनत तो करते हैं लेकिन शिक्षा ज़्यादा नहीं होती,
और इसी प्रकार उनकी प्रडिक्शन, उनकी भविष्यवाणियाँ सच नहीं होती। देखिए, हिमाचल प्रदेश में पहला ही एक ज्योतिष केंद्र है शारदा ज्योतिष निकेतन जोगिंदर नगर में, इसकी एक शाखा मेरठ में भी है। मैंने अपने 40 वर्ष के अध्ययन में, मैं आज भी अध्ययन ही कहूँगा इसको, मैंने देखा कि हर प्रकार के नेता, हर प्रकार के मंत्री, हर प्रकार के राजनीतिज्ञ, हर प्रकार के डॉक्टर, हर प्रकार के जज, हर प्रकार के कॉर्पोरेट के जो बड़े बड़े अमीर घराने के लोग हैं, वो कलाकार, मंच में जो काम करने वाले हैं, वो रंगकर्मी से लेकर के पेंटर से लेकर के एक जनरल तक जो है वो ज्योतिष के पास आते हैं। मेरे पास जो लोग आते रहे हैं, आप नित्य देखते होंगे, सुनते होंगे कि हर घराने के लोग, हर व्यवसाय के लोग आते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ की खुशी है कि मेरी जो भी मैंने मेहनत से भविष्यवाणियाँ दी हैं वो कभी फेल नहीं होती। हाँ, कोई भी शास्त्र, कोई भी साइंस अपने में पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो एक भगवान है, एक ब्रह्म है। फिर भी हम प्रयत्न करते हैं कि हमारे पास जो भी जातक, जो भी व्यक्ति, जो भी जिज्ञासु आए, हम उसकी जिज्ञासा का समाधान करें। सबसे पहले मैं हिमाचल सरकार को, क्योंकि मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, हिमाचल के लिए ही काम कर रहा हूँ, और जो आज के पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो चाहें तो ज्योतिष से बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब बच्चे के बारे में वो सोचते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल और कॉलेज में डालते हैं, तो उनके जन्म लगन से, उनकी राशि से ये विचार किसी सुयोग्य ज्योतिषी को पूछ करके करें कि किस व्यवसाय में इस बच्चे को डालें, ताकि उसका भविष्य भी अच्छा बने, हमारे प्रांत का भविष्य अच्छा बने, हमारे देश का भविष्य अच्छा बने।